हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट स्टडी। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज मैं आपके साथ जिस टॉपिक को डिस्कस करूँगी वो है फॉरेन रिलेशन। ओके, इस टॉपिक में हम लोग ये पढ़ेंगे कि अशोका की जो है वो फॉरेन कंट्री के साथ रिलेशन कैसी थी। ओके स्टूडेंट्स, लेकिन स्टूडेंट्स वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। अगर आप मेरे चैनल में नए हो और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, और वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूले। तो आइए स्टूडेंट्स, मैं आपका और ज्यादा टाइम ना लेते हुए आज के अपने वीडियो की शुरुआत। स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने आपको पढ़ाया था अशोका की धम्म रिलीजन को, और आज मैं आपको पढ़ाऊंगी कि अशोका की फॉरेन कंट्रीज के साथ कैसे रिलेशन थी। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए स्टूडेंट्स, हमारा फर्स्ट पॉइंट क्या है। अशोका एस्टैब्लिश्ड फ्रेंडली रिलेशंस विद द साउथ इंडियन स्टेट्स ऑफ चोला पांड्या सत्यपुत्र एंड केरलपुत्र। ओके, तो देखिए क्या बोल रहा है कि अशोका की जो मौर्य एम्पायर थी उसकी रिलेशन साउथ इंडियन स्टेट के साथ कैसी थी। तो देखिए, साउथ इंडियन स्टेट जैसे कि चोला पांड्या सत्यपुत्र एंड केरलपुत्र, इन तमाम साउथ इंडियन स्टेट्स के साथ अशोका की जो रिलेशनशिप थी वो काफ़ी अच्छी थी। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए। हिज रिलेशन विथ सेलोन वॉज कॉर्डियल। ही डिप्यूटेड हिज सन महेंद्र एंड डॉटर संग्रहमित्रा टू सेलोन फॉर द प्रोपगेशन ऑफ बुद्धिज्म। क्या बोला जा रहा है कि अशोका की अगर हम लोग रिलेशनशिप की बात करें सेलोन कंट्री के साथ, तो देखिए अशोका ने बुद्ध रिलीजन को फैलाने के खातिर सेलोन में अपने बेटे महिंद्रा और अपनी बेटी संघमित्रा को भेजा था। कहाँ? सेलोन। अच्छे से समझिए स्टूडेंट्स, अशोका और सेलोन के बीच में कैसे रिलेशनशिप थी। सेलोन में बुद्ध रिलीजन को फैलाने की खातिर अशोका ने अपने बेटे महिंद्रा को और अपनी डॉटर यानी अपनी बेटी संग्रहमित्रा को कहाँ भेजा था? सेलोन भेजा था, ताकि बुद्ध रिलीजन वहाँ पे फैले। तो देखिए क्या हुआ। किंग टिशिया ऑफ सेलोन एक्सटेंडेड हिज हैंड ऑफ कोऑपरेशन टू देम। क्या हो रहा है, जो वहाँ के किंग है, कहाँ के? सेलोन के किंग है, जिनका नाम क्या है? टिशिया है। इन्होंने क्या किया, बुद्ध रिलीजन को फैलाने के खातिर अग्री कर लिया अशोका के साथ। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स, अशोका ने बर्मा में 2 मिशनरीज को भेजे थे। तो देखिए, अशोका सेंट 2 मिशनरीज शॉन एंड उतारा टू बर्मा। क्या हुआ, जो 2 मिशनरीज को भेजे थे कहाँ? बर्मा में। उन 2 मिशनरीज का नाम क्या है? एक का नाम है शॉन, दूसरा का नाम है उतारा है। ओके स्टूडेंट्स, इसके अलावा स्टूडेंट्स अब आगे देखिए। ही बिल्ट अ नंबर ऑफ मोनास्ट्रीज इन नेपाल। इसके अलावा अशोका ने नेपाल में बहुत सारे मोनास्ट्रीज भी बनाए थे। ठीक है, अशोका ने नेपाल में बहुत सारे मोनास्ट्रीज भी बनाए थे, ठीक है, बुद्ध रिलीजन को फैलाने के खातिर। तो देखिए स्टूडेंट्स, तिब्बतन सोर्सेज से ये पता चला है कि अशोका ने सेंट्रल एशिया के बहुत सारे कंट्रीज में भी अपने मिशनरीज को भेजे थे, साथ ही साथ सेंट्रल एशिया के बहुत सारे कंट्रीज के साथ इसकी रिलेशन थी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज के इस वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा कि अशोका की जो है फॉरेन कंट्री के साथ कैसी रिलेशन थी। ओके स्टूडेंट्स, तो स्टूडेंट्स मैं आज का सेशन ही खत्म करती हूँ। अगर टॉपिक से रिलेटेड कोई क्वेश्चन या क्वेरीज है तो मुझे नीचे कमेंट में लिखना, मैं इसका आंसर जरूर दूंगी। तो मैं मिलती हूँ आपसे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।